नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है तो सबसे पहला स्टॉक जो हम आप लोगों को ले, लेकर लेकर आए हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी पे हम आपको बाय करने की सलाह दे रहे हैं आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट फॉल आने के बाद हम लोगों ने देखा एक रिट्रेस आया एंड एक दोबारा फॉल आया आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि ये पैटर्न एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड इसका जब ब्रेकआउट आएगा अराउंड 205.5 पे तब वी कैन गो फॉर अ बाय ओके सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है यहाँ पर हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं बट वी हैव टू वेट फॉर टू टू क्रॉस तभी हम लोग बाय बना सकते हैं ओके okay? एंड और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लरिफिकेशन चाहिए होगी कंफर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं अगर 205.5 के ऊपर 15 मिनट की वन कैंडल वन कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है ग्रीन कलर की तो आप लोग एक बाय अपॉर्चुनिटी इसके अंदर लेकर चल सकते हैं ओके सो इसके जो भी टारगेट्स होंगे एंट्री लेवल होगा स्टॉप लॉस होगा हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे थ्रू टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से सेकेंड स्टॉक आता है इंडोसेन बैंक सेकेंड बैंक है ये या इंडोसिन बैंक पे हम आप लोगों को बाय के लिए सलाह दे रहे हैं आप जिस तरीके से देख सकते हैं एक फॉल आने के बाद एक अपमूव एंड एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है देख सकते हैं उसका ब्रेकआउट आ चुका है आज की कैंडल पे बट हम लोगों ने यहाँ पर अप बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट नहीं, नहीं करी सेकेंड इंपॉर्टेंट बात एक डाउनफॉल के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक चैनल बना इस चैनल का भी ब्रेकआउट दिया है दो पॉइंट्स हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं हम लोगों ने यहां पर भी इसलिए बाय नहीं बनाया क्यों क्योंकि यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं कि यहां पर जब भी कैंडल्स आती हैं उसके बाद हम लोग एक डाउनफॉल स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आया एक शॉर्ट डाउनफॉल सेकेंड टाइम आया एक ह्यूज डाउनफॉल एंड उसके ऊपर अभी तक गया नहीं है तो दोबारा कैंडल इस रेंज के अंदर बनी है इस ब्लू जोन के अंदर बनी है जहां पर सप्लाई आता है सो वी हैव टू बीट कॉशियस अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 647 के ऊपर एंड 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है तो या वी कैन गो फॉर अ बाय लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम पे नेक्स्ट स्टॉक आता है एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस पे मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूं आप लोगों को आप देख सकते हैं कि एक शार्प मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न ठीक है फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं करी एक बार रीटेस्ट आया एंड रीटेस्ट के बाद हमने देखा कि जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर जाके हमें एक क्लोजिंग देखने की मिली ग्रीन कैंडल से एक राउंड नंबर है 600 का इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटीज के अंदर इनिशिएट करके चल सकते हैं प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था जहां पर आप देख सकते थे कि फॉर एग्जाम्पल एक चैनल कंसिडर कर सकते हैं एक चैनल के अंदर channel, एक और चैनल उसका ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करा एंड एक स्टार्ट हुई है सो so यहाँ हम लोग यहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉबेबली टारगेट ये आएगा जो प्रीवियस स्विंग हाई है सो वहां तक के लिए हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक आता है विच इज बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है आप यहां पर देख सकते हैं कि लेट मी शो यू या वेट या नाउ मी शो यू आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस शो करा था एंड रेजिस्टेंस के बाद एक डाउनफॉल आई थी एंड दोबारा रिकवर करने के बाद सेकंड टाइम भी टेस्ट रेजिस्टेंस एंड दोबारा एक डाउनफॉल आई थी बट इवेंचुअली जब वो ब्रेक हुआ तो एवरी वन नोज दैट रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है और जब उस पर दोबारा टेस्ट करा जाता है रीटेस्ट होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ टेस्ट करा ये सपोर्ट हो गए एंड सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तब उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन गए आपको पता होना चाहिए जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन वो सपोर्ट बन जाता है एंड सॉरी लेट मी एक्सप्लेन अगेन ये रेजिस्टेंस है जब वो ब्रेक होता है तो वो यहां पर सपोर्ट बन जाता है एंड जो सपोर्ट जब ब्रेक होता है और जब रीटेस्ट करता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है ठीक है ये इजी है आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक है बिल्कुल भी सो so ये सपोर्ट्स थे ये सपोर्ट्स ब्रेक हुए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड दोबारा ब्रेक कर रहा है अब आप लोग यहां पर एक सिमिलैरिटी देख सकते हैं टू टाइम्स रेजिस्टेंस उसके बाद ब्रेक फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सपोर्ट उसके बाद ब्रेक एंड फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम टू टाइम रेजिस्टेंस अब यहां पर ब्रेक कर सकता है सो so, आप एक पैटर्न समझ सकते हैं कि दो बार रेजिस्टेंस लेने के बाद थर्ड टाइम वो ब्रेक कर लेता है दो बार सपोर्ट लेने के बाद थर्ड टाइम वो ब्रेक कर देता है सिमिलरली टाइम रेजिस्टेंस ले सका है। तो थर्ड ये ब्रेक कर सकता है so, साइकोलॉजी लोग को समझना चाहिए तभी आप लोग ट्रेड ले पाएंगे बिकॉज आप लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को तभी यूज करते हैं जब आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कोई भी आप

टाटा गलेक्सी बाय करने के लिए आपको दिया जाएगा प्रॉबेबली आप देख सकते हैं कि एक मूव के बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक मल्टीपल रेंज uh, के अंदर ये ट्रेड रहा था एवेंचुअली जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो सेकेंड टाइम यहाँ पर एक बार रीटेस्ट करने आ रहा है एंड एक बुलेश इन गल्फिंग पैटर्न भी इसके अंदर हम लोगों ने देखा है एक रिकवरिंग पैटर्न है सेकेंड बात अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आप ये वीकली चार्ट के अंदर ऑब्जर्व कर पाएंगे वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 52 वीक ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद हमने देखा है कंसिस्टेंट मूव आई है उसके बाद एक बार भी रीटेस्ट नहीं हुआ एंड अब आके हमने देखा कि इसके अंदर एक रीटेस्ट हुआ है और एक हैमर टाइप सिचुएशन की हैंडल बन रही है सो so यहाँ पर हम लोग एक बार लॉन्ग चल सकते हैं इसके अंदर और अगर थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो भी हम लोग एक बार टाटा एलेक्सी पे बाय कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म सो so, ये फाइव स्टॉक्स थे जो मैं आप लोगों को इंटरेडे के लिए रिकमेंड कर रहा हूं अब हम आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को निफ्टी एक्सप्लेन करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं सिमिलर प्रॉब्लम अकरिंग या नो नो वरी हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन सर्च इट फ्रॉम हेयर इट्स बैंक निफ्टी सो so, आप लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं बैंक निफ्टी आई टोल्ड यू बिफोर कि बैंक निफ्टी इट्स इट्स इन मंथली चार्ट बुलिश अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखनी है कि जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था प्रीवियस स्विंग हाई कोई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और एक स्ट्रॉग कैंडल के साथ जाकर ब्रेक करा है अब एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है और ये रेजिस्टेंस कैसे फाइंड हुआ लेट मी शो यू मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ सो so, अपर लाइन आप देख सकते हैं कि ये एक गैप डाउन है सो ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ इस गैप में जो यहाँ से हमने एक डाउनफॉल देखी थी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सो so अगर ये लेवल ब्रेक होता है मतलब प्रॉबेबली अगर बैंक निफ्टी का आज का हाई ब्रेक होता है एंड फाइव मिनट्स की दो कैंडल भी उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है सो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग और जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो ट्वेंटी के आसपास तक के निकल के आ रहे हैं सो तो यहाँ तक के लिए हम लोग होल्ड बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा और अगर मैं आप लोगों को एक बार इसका मंथली चार्ट लेकर चलता हूँ एंड मंथली चार्ट पे अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं कि वो क्या शो कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा वन सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट रिप्लेसमेंट पे इज़ गुड फॉर शॉर्ट बट अभी तक हम लोग बाय बना सकते हैं यहाँ सो सिक्सटी वन परसेंट रिप्लेसमेंट लेवल इट्स वेरी फार आप देख सकते हैं राइट नाउ बैंक निफ्टीज ट्रेडिंग एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स एट्टी एंड सिक्सटी वन परसेंट रिप्लेसमेंट लेवल इज शोइंग एट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके सो वी प्रोबली नीड्स 600 हंड्रेड पॉइंट्स मूवमेंट मोर टू गेट टू सिक्सटी वन परसेंट रिप्लेसमेंट सो वी कैन एक्सपेक्टेड टुमारो ऑल्सो एंड डी आफ्टर टुमारो प्रॉबली ओके सो निफ्टी बैंक में आप लोग बाय अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं जो आज का हाई है उसे ब्रेक होना है फाइव टू टेन मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए कंफर्मेशन मिल जाए देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग या फिर रिटेस्ट के बाद एक कंफर्मेशन मिले तो भी हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं निफ्टी पे अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गया अभी आपके अपने रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो आप निफ्टी के अंदर मुझे चार्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप निफ्टी के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेंटी जो कि एक साइकोलॉजिकली और एक चार्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यहाँ तक के लिए आप एक निफ्टी के अंदर बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं प्रोबेबली दोनों अभी स्ट्रांग है तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी आराम से आपको टू हंड्रेड से टू फिफ्टी पॉइंट्स प्रोबली आराम से दे सकती है सो so, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करिए रेगुलर करता हूँ गाइज तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए शेयर करिए इस वीडियो को को कि नए लोग जो यंगस्टर्स हैं यूथ है अगर वो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट पे तो दे नो कि इट्स अ ईजी बट आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिएगा So, मैं आप लोगों से मिलता हूं कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ